हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश टेक्नोलॉजी। हाय दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम बात करेंगे राफ्ट फाउंडेशन, जो हमारी ड्राइंग होती है उसमें राफ्ट फाउंडेशन क्या है, उसका सरिया हम कैसे बांधते हैं, उसकी ड्राइंग में हमारी क्या दिया हुआ है, सरिया क्या हमारी डायमेंशन दी हुई है, वो हम आपको आज दिखाएंगे इस पर साइड में क्या होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता दें, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को आकाश टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको नई वीडियोस आसानी से मिल सकें, उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दोस्तों दिख रहा होगा आपको हमारा ये लिफ्ट एरिया है, जिसकी पूरी आपकी जो ये है फुटिंग है, ये 5300 x 4200 और अपना ये अपना 650 अपना प्लेन्थ बीम से सेंटर से स्पेस में बैठ रहा है। तो हमारे जो कॉलम यूज हुए हैं उसमें C8 है, C3, C1 और C3, इसमें प्लेन्थ बीम भी डाले हुए हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शन प्लान है इसमें CF1 के नाम से डाला हुआ है। अब उसको आपको बता देते हैं इसकी फुटिंग का क्या वो एरिया है और क्या उतनी डेप्थ है। ये देखिए देखो, CF प्लान का इस पर प्लान के हिसाब से 600 x 600 मीन्स जो हमारी जो डेप्थ होती है, जैसे कंसिडर करते हैं हम आपको इस तरीके से मैं बता दूँ आपको, ये जो डेप्थ है हमारी ये 600 है और हमारा जो जैसे ट्रेपेजोइडल होता है, जैसे ये 600 और ये चीज़ उसमें हमने सेम ली हुई है। तो इसमें हमें कोई भी कैपिटल डी और स्मॉल डी जो होती है हमारी, इसमें ऐसे हमने मेंशन नहीं किया हुआ है। जो हमारी फुटिंग की डेप्थ है वो 600 है आउट टू आउट। ओके, इसमें हमने 10 का सरिया 125 के सेंटर बाय सेंटर पर यूज़ किया हुआ है और 12 का सरिया 110 के सेंटर बाय सेंटर पे यूज़ किया हुआ है। ये हमारा सरिया मैन स्टील का है और हम आपको बता दें जो 10 का और 12 का एक बिल्कुल यही सेम सेंटर के सेंटर पे दिए हुए हैं। ये हमारा एक्रोस स्टील है, ये हमारा फुटम का हुआ, उसका फुटिंग का हो गया। फुटिंग के हमने टॉप और बॉटम में दोनों में बांधना है। उसके बाद दोस्तों हम बताते हैं आपको जो हमारी RCC बॉल है और उसका जो जाल बनेगा अपना फुटिंग का, वो कैसे बनेगा। ये देखिए दोस्तों, हमने आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है हमने अपने लिफ्ट एरिया का, जिसमें हमारे जो फुटिंग का नीचे का जाल है उसमें हमने ये सरिया मेंशन की हुई है और अपना जो RCC वॉल है उसमें हमने क्रॉस सेक्शन में दिखाया हुआ है कि कहाँ पे कौन सी सरिया कितने इस सेंटर के बाद सेंटर के स्पेन में दी हुई है। हमारे इसका लिफ्ट का प्लेन बीम के टॉप तक जो हाइट है 6 फीट है, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स लगी हुई हैं। जो हॉरिजॉन्टल बार है वो हमारी 8 mm की है और 200 के सेंटर बाय सेंटर पर लगी हुई है और जो वर्टिकल बार है वो 10 mm की है, वो 150 के सेंटर बाय सेंटर पर लगी हुई है। तो हम कैसे दिखाते हैं आपको, साइड पे लेके दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा इसमें दो तरीके से हमारे फुटिंग का जो सरिया है वो बांधा हुआ है। ये बॉटम जाल है और ये हमारा आ गया टॉप जाल है। तो इसमें हमने आपको दिखाया था कि इसमें टॉप और बॉटम दो तरीके से जाल बांधा हुआ है, ये टॉप का हो गया, ये बॉटम का हो गया। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से हम आपको इसकी एक RCC की जो अपना वर्टिकल RCC वॉल है इसका भी हम आपको दिखा देते हैं। ये जो हमारा सरिया लगा हुआ है ये हमारा 10 mm का यूज हुआ है, जिसका सेंटर है हमारा 150 का सेंटर बाय सेंटर। ये हमारी जो डिस्टेंस है 150 की सेंटर बाय सेंटर में है, लेकिन दोस्तों हम इसमें जो हॉरिजॉन्टल बार यूज करेंगे वो हमारी 8 mm की है, जिसमें हम 200 का सेंटर बाय सेंटर हम लेंगे। लेकिन जो इसकी टॉप से और ऊपर तक बॉटम तक जो हमारी प्लिंथ बीम तक बैठ रही है हमारी डिस्टेंस, वो हमारी डिस्टेंस है 6 फीट। ये देखिए आपको 6 फीट दिख रही है। तो उसी तरीके से हम इस अपने जाल को बांधते हैं। दोस्तों हम आपको दिखाते हैं बॉटम जो जाल है हमारा वो 8 10 mm का सरिया है और जो उसका सेंटर बाय सेंटर है 125 का सेंटर बाय सेंटर से है। बाकी जो हमारा टॉप का है वो हमारा 12 का सरिया है, वो 110 के सेंटर बाय सेंटर पे है। ठीक है, तो हमने ये सीखा आपने। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन को दबाइए, ताकि नई वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंचते रहें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।